من سب نبيا من سب نبيا من سب نبيا। और ये कहते हैं जी ये मजहबी मुनाफरत है, मजहबी मुनाफरत इसको कहते हैं। हुजूर दी हदीस याद करवाओ तो कहते हैं ये मजहबी मुनाफरत है, ये इश्तियाल अंगेजी है। तारीफ करो ना तुम इश्तियाल अंगेजी की, तुम तारीफ लिख के दो इश्तियाल अंगेजी क्या है, हम नहीं करेंगे। तुम तारीफ लिख के दो कि फिरका वारियत क्या होती है, हम नहीं करेंगे। किसको फिरका वारियत कहते हैं, हुजूर की शान बयान करना ये फिरका वारियत है, हुजूर की खत्म नबूवत के नारे लगाना ये फिरका वारियत है। मनसबा नबीयन ये मेरा और आपका फरमान तो नहीं है, ये इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान है। और ये तो रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे गुस्ताख की सजा के मसले में फरमाया दो बकरियां आपस इतनी लड़ सकती हैं, यानी इंज इंज नहीं होएगा कि एक बकरी कवे जी गुस्ताखे रसूल की सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, तो दूसरी बकरी कवे नहीं ये सजा नहीं है। फरमाया इस सजा ते जानवरों का इत्तेफाक, इस सजा पर जानवरों का इत्तेफाक है। नहीं तो अगर आपको दलाइल चाहिए आप दिन बताएं, दिन बताएं, जगह बताएं, टाइम बताएं। मोहम्मद हसन रजा नक्शबंदी फकीर हाजिर है, साढ़े नाल मत्था लाण तो पहले ध्यान करी साड़ी कंठ ते गौसे पाक खड़े नहीं रगड़िया जाएगा। हाँ ए रसूलुल्लाह दी तहरीक है, इहदे खिलाफ इकदाम करन तो पहले सोच लेना ए तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह दे पीछे दुनिया दी कोई एजेंसी नहीं, एक पासे सिद्दीक अकबर एक पासे मौला अली, और ध्यान नाल इधर रुक करी रगड़िया जाएगा। मन सब्बा नबीयान फक्तुलू जोर लाओ मन सब्बा नबीयान। हमने कौम के बच्चों को मजहबी मुनाफरत नहीं सिखाई, हमने इनके दिलों की बंजर बस्ती में हुजूर की मोहब्बत का बीज बोया है। यकीन नहीं आता तो आके हमारे किसी छोटे से बच्चे से बात करके देख लो। हमने इस कौम को फिरका वारियत नहीं सिखाई, फिरका वारियत का मतलब होता है जुदा कर देना। हम इनको जुदा करने के लिए नश्तर में नहीं बैठे, इनको हुजूर जाने जाना से बिलाने के लिए नश्तर में बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह लब्बैक तवज्जो जी। ये रसूलुल्लाह की इज्जत का मसला है, इसको खेल और तमाशा ना समझा जाए, ये रेवड़ी और पतासे वाला मसला नहीं है। यहां तो बाल को छोटा बाल कहने वाला काफिर हो जाता है। हाँ दुनियादार कमीने। और अल्हम्दुलिल्लाह यहां कितने लोगों ने आके कलमा पढ़ा है, कोई हमने उनके ऊपर 500 वाली कापियां नहीं फेंकी। अगर वो कलमा पढ़ने पर मजबूर हुए हैं तो उनको पता है इतना तो हुकूक उनको उनका मजहब नहीं देता जितना उनको तहफ्फुज़ इस्लाम देता है।